गुना शर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। एक तरफा न्याय से ग्रामीण परेशान, बलिया रसरा तहसील अंतर्गत ग्राम टीका देवरी निवासी विजय बहादुर ने रसरा एसडीएम को एक पत्र दिया। पत्र के माध्यम से विजय बहादुर ने बताया कि मेरे गांव में एक सर्वाचनिक चक्रोड व सर्वाचनिक नाली है, दोनों को मिलाकर चौड़ाई 30 कड़ी हो रहा है। 18 जुलाई को हल्का लेखपाल व कानून को मैं पुलिस बल पैमाइश किया गया तो मेरे बाउंड्री का दीवार पड़ रहा है और गर्जन पुत्र बल्ली का भी मकान दीवार में पड़ रहा है। उनका अतिक्रमण पहले से ही है, परंतु पुलिस बल द्वारा केवल व्यक्तिगत तौर पर मेरे बाउंड्री का दीवार हटाया जा रहा है और उनका नहीं। विजय बहादुर ने अपने पत्र के साफ तौर पर उल्लेख नहीं किया है कि अतिक्रमण में चाहे किसी का भी दीवार हो, उसे न्यायपूर्वक टूटना चाहिए। लेकिन वही विजय बहादुर का कहना है कि कुछ दिन बाद रसा उप जिलाधिकारी स्वयं टीका देवरी आकर व्यक्तिगत तौर पर कहकर चले गए कि पहले आप अपना दीवार तोड़ लीजिए। ग्रामीण का कहना है कि मैंने अपना दीवार तोड़ लिया है, लेकिन अन्य अतिक्रमण जस का तस बना है। एक तरफ न्याय से ग्रामीण विजय बहादुर परेशान। इसे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास चले। शुरू में तो गांव के 20-25 लोगों से हम राय मशविरा करके सबके आदेश से हम दीवार बनाना शुरू कर दिए, उन लोगों कहने के हिसाब से। फिर हम दीवार शुरू किए, अंत में 7 फीट तक हमारी दीवार चली गई, तब तक कोई किसी ने कतराज नहीं किया बीच में। फिर जब हमारी दीवार पूरी चली गई 7 फीट, तो एक होट एसडीएम महोदय के कर्मचारी लेखपाल और कानून गोल लोग आए और साथ में एसओ चित बड़ा गांव साहब भी आए। मैं फोर्स के पैमाइश होने लगी, पैमाइश में हमारी दीवार थोड़ी पड़ गई। अब दीवार तोड़ने के लिए हमको आदेश दे गए इंस्पेक्टर महोदय कि आप दीवार अपने हटा लीजिए। हम कहे कि ठीक है। तो फिर भी हम भाग के गए 22 तारीख को श्रीमान एसडीएम महोदय रसरा के पास। हम कहे कि श्रीमान जी, हमारे गांव में रास्ते की पैमाइश हुई है जिसमें हमारी दीवार पड़ गई है और लोगों की पड़ी है, जो कि रोड से, मेन रोड से बस्ती में आते समय पहले मकान वो पड़ी है, उसके पीछे हमारी पड़ी है। हाँ, गर्जन की मकान पड़ी है पहले और पीछे हमारी पड़ी है। उसके बाद हमारे ऊपर दबाव बार बार बनाया जा रहा है कि आप अपना हटाइए। हम कह रहे हैं कि हटे तो दोनों का हट जाए श्रीमान, लेकिन एक तरफा हमारे ऊपर इतना दबाव आ रहा है कि अब हम परेशान हो गए हैं। तो आप अपना दीवार हटा लिए हैं क्या? हम अपना दीवार हटा लिए और जितने भी अतिक्रमण की जितने दीवारें हैं मतलब हटा नहीं है? नहीं नहीं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाली आप ही का दबाव बन रहा है आप ही से। जी जी, एसडीएम साहब 22 तारीख को आदेश दिए कि नहीं हटेगा तो सबका हटेगा। एसडीएम साहब आदेश दिए होंगे ना कि हटेगा तो सबका हटेगा? 22 तारीख को जब हम उनके यहाँ गए तो आदेश दिए, लिखित प्रार्थना पत्र हम दिए, उस पर लिखित आदेश दिए हटेगा, दोनों का हटेगा साथ ही सबका। फिर उधर फिर एसडीएम साहब इधर फिर आए थे क्या? फिर इधर 16 तारीख को, अभी पिछले 16 तारीख को आए तो एक तरफा हमारे ऊपर दबाव बनने लगा था कि नहीं आप अपना देखिए, आप खुद गलत हैं तो दूसरे गलत कैसे कहेंगे, पहले आप अपने गलत से दूर होइए, अपनी दीवार 2 दिन के अंदर हटा दीजिए, नहीं तो फिर आगे आप सोचिएगा। फिर हम इस आदेश के डर से और कानून के डर से हम अपनी दीवार